नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन करने का दूसरा भाग। तो इसके लिए आप इस दूसरे भाग को शुरू से आखिरी तक देखें और आप सीख सकते हैं कि पासपोर्ट कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब हमारा वीडियो प्ले होता है तो इस तरह का लाल बटन वीडियो के नीचे बन करके आता है, जिसे दबा करके आप हमारे चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें और साथ ही उसके बगल में बने हुए घंटी के आइकन को दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और यहाँ पर रेजिडेंशियंस आप ये बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं इंडिया में, तो आपको जो है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए अपनी जन्मतिथि। जैसे कि हमने जन्मतिथि डाली थी 1990, एक एक जनवरी 1990, तो आपको यहाँ जनवरी 90 डालना है। और ये देखिए आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिए, जो आपका गांव है, जैसे कि हमने डाल दिया हिलौली और मोरावा उन्नाव और 2098-21 अपना पिन कोड भी डाल दीजिए इसमें। हमने पिन कोड डाल दिया। अब इसके बाद देखिए विलेज टाउन सिटी आप पूछ रहा है आपसे, तो आप अपना विलेज या टाउन या सिटी जो भी है आप यहां पर डाल सकते हैं। और उत्तर प्रदेश उन्नाव सेलेक्ट है, पुलिस स्टेशन आपको यहां सेलेक्ट करना होगा। आपके आसपास जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वो आप यहां पर डाल दीजिए। हमारे क्षेत्र में जैसे मोरावा पुलिस स्टेशन आता है तो हमने मोरावा डाल दिया और उसका पिन कोड क्या है वो हम डाल देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको डालना है तो वो आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी वही डालना है जो आपने पीछे डाला था, या दूसरी ईमेल आईडी भी यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन हम वही ईमेल आईडी डालेंगे, ज़्यादा सही रहेगा वही ईमेल आईडी आप यहाँ भी डालिए। फिर आप पूछ रहा है डू यू वांट टू हैव परमानेंट एड्रेस, मतलब क्या आप इस जो एड्रेस आपने ऊपर दिया है यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर आपका कोई टेम्परेरी एड्रेस दूसरा भी है। अगर दूसरा एड्रेस है तो आप यस करिए, और अगर दूसरा एड्रेस है तो आप नो करिए, और अगर यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ यस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है यही एड्रेस आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है इसी एड्रेस को आप वर्तमान एड्रेस बनाना चाहेंगे, तो आप कह दीजिए यस, यहाँ पर भी यस कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपके सामने आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर आपसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जा रहा है, आपके पास इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर और मतलब आपको किसी ऐसे आदमी का नाम यहाँ डालना है जो आपका जो कस्टमर है जिसका आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए, उसको जो आदमी जानता हो और उससे जो बात करा सके। तो हमने ये देखिए डाल दिया और यहाँ हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आपके पास टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी मौजूद है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए आप जो है नए पेज पर आ जाइए। यहाँ पर रेफरेंस के विषय में बात की जा रही है, यानी कि दो गवाह, तो आपको यहाँ दो गवाह डालने हैं। मैं चलो डाल देता हूँ रितेश हिलौली 2098-21 और उसका मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। और दूसरे गवाह का नंबर नाम जो है वो डाल दीजिए। यहाँ पर उसका एड्रेस लिख दीजिए और मोबाइल नंबर है तो वो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद आप जो है यहाँ नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद ये आपसे प्रीवियस पासपोर्ट के विषय में पूछ रहा है, जैसे आपने कभी अप्लाई किया था या कुछ देख लीजिए, जैसे डिटेल आप प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक ऑफिस सेल पासपोर्ट, अगर आपके पास पिछला कोई रिकॉर्ड मौजूद है उसका उसकी जानकारी डिटेल है तो आप यहाँ ऊपर करिए
टिक करिए डिटेल अवेलेबल, अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर दीजिए। हम नया बना रहे हैं तो डिटेल कोई पुराना नहीं है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने पासपोर्ट के लिए पहले कभी अप्लाई किया था लेकिन वो नहीं बना, अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करिए, और अगर आप नया बना रहे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। तो नो करिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने देखिए 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ यस और नो करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ इसको पढ़ लीजिए और जो यस करने लायक है उसमें यस करिए, जो नो करने लायक है उसमें नो करिए। संभवतः इसमें अधिकतर नो ही करना चाहिए, नो ही रहता है, आप पढ़ करके देख लें। और यहाँ पर मैंने नो कर दिया सभी में और यस नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। ये देखिए आपके सामने इस तरह से आपके पासपोर्ट का प्रारूप आ जाएगा। इसी तरह पासपोर्ट का जो पेज होता है फर्स्ट और सेकेंड पेज इसी तरह से आते हैं। यहाँ फोटो होगी आपके, यहाँ सिग्नेचर हो, आप इसको पूरा देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, कहीं कुछ गलत ना हो, अगर गलत है तो आप उसको पीछे जा कर प्रीवियस यहाँ से जा कर के ठीक कर सकते हैं, और अगर सही है तो आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछ रहा है प्लेस, आप यहाँ पर प्लेस डाल दीजिए, जिस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं जो आपकी सिटी है सिटी का भी डाल दें, और यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे यस और नो के दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए तो यहाँ ऊपर वाले में आप यस कर दीजिए। यस करने का मतलब यह है कि आपको SMS आने लगेंगे इस मोबाइल नंबर पर पासपोर्ट से संबंधित, और यहाँ नीचे फिर यस नो के दो ऑप्शन है, तो यहाँ छोला MS का कोई प्रचार है या क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन आपको यहाँ पर नो कर दीजिए और ये फॉर्म यहाँ से सबमिट कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरह से फॉर्म नया आ जाएगा, पेज नया आ जाएगा, इसमें लिखा है योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि सक्सेसफुल हो गया है। और ये देखिए आपका आवेदन ID नंबर भी आ रहा है, तो आप इस आवेदन ID नंबर को लिख लीजिए। हमने इसको देखिए लिख लिया है। अब आपको इसमें करना क्या है, आप यहाँ पर यहाँ से फीस पेमेंट कर सकते हैं और जो है अपना अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं किस तारीख में आप वहाँ जाना चाहते हैं, और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं उसका रिसीविंग, और यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हम आपको पहले डॉक्यूमेंट अपलोड का बता देते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ आप आ गए हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए एड्रेस प्रूफ, आपके पास एड्रेस प्रूफ में क्या है, जैसे कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ जो ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ से आधार कार्ड अपना जो है जहाँ पर आपने सेव किया है वहाँ से उसको ये इसमें ब्राउज करके डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ लिख करके आ जाएगा, और ये जो है अपलोड पर क्लिक कर दीजिए, आधार कार्ड अपलोड हो गया। ये देखिए अब आपको जो है और क्या एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड अपडेट आप बर्थ के लिए क्या आप अपलोड करना चाहते हैं, अगर आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिए फिर से, नहीं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट कोई है तो या ट्रांसफ़र स्कूल लिविंग या स्कूल का मार्कशीट वगैरह जैसे, तो वो आप यहाँ से ब्राउज करके और जो है उससे जो है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पर करके इसको अपलोड कर दीजिए। तो अब ये देखिए दो आपके एप्लीकेशन अपलोड हो गए हैं, और ये बता दूँ कि इसमें जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता अब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पहले जन्म प्रमाण पत्र लगता था, अब बनवाना जरूरी नहीं। अब इस तरह से आप दो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, बाकी और डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के आप अपॉइंटमेंट जहाँ भी है आपकी वहाँ जाएंगे, और यहाँ पर आप क्लिक करिए व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आप फिर से यहाँ वापस आ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये काम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पहले क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए पे और प्रिंट एप्लीकेशन का व्यू फार्म का अपलोड का और पेमेंट रसीद का भी नहीं हो रहा क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है, और ट्रैक पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया। तो आपको ये करना है यहाँ पर
पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। आप यहाँ पर आइए, अगर चालान करना चाहते हैं तो नीचे से चालान, ऑफलाइन आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं खुद जा करके, और ऑनलाइन अगर पैसे का भुगतान करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऑनलाइन पर क्लिक करिए। और नीचे देखिए इसका विवरण दिया हुआ है, ये चालान और ऑनलाइन कैसे भुगतान करना है आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन पर क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट आप कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपसे ये फिर पूछेगा, कहेगा कि ये देखिए आपने अभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो यहाँ पर नेक्स्ट करिए। अपॉइंटमेंट के लिए आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी। अब देख लीजिए आप अपना जो केंद्र, आप पासपोर्ट सेवा केंद्र जो आपने सेलेक्ट किया था उसमें कौन सी तारीख है। जैसे हमने PSK लखनऊ सेलेक्ट किया था तो ये देखिए 18 तारीख को दे रहा है, तो हम यही वाला जो है यहाँ सेलेक्ट करेंगे PSK लखनऊ, ठीक है। और ये कैप्चा आप डाल दीजिए, हार्ट BBRDR, ठीक है। इस तरह से आप कैप्चा जब डाल देंगे तो आप जो है यहाँ से पेमेंट वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर ये बता रहा है कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो वो आपको पैसा वापस नहीं होगा। और जो है ये देखिए आपका नाम, एप्लीकेशन आईडी, और ये आप कितने पैसे पेमेंट करने हैं, 1500 रुपये आपको ये दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मोबाइल नंबर आपका लिख के आ रहा है, और उसके नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि सिलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट, आप दूसरी डेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अन्यथा ये जो 18 तारीख दी जा रही, अगर यही आपके लिए ठीक है तो आप इसको भी रहने दीजिए। और एक बात बता दूं कि एक साल में आपको 3 बार अपॉइंटमेंट डेट दी जाती है। अगर आप फिक्स अपॉइंटमेंट डेट पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको दूसरी अपॉइंटमेंट डेट भी मिल जाएगी। आप यहां से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करिए तो आप जो है फीस का पेमेंट कर सकेंगे। फीस पेमेंट हो जाने के बाद आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर दीजिए। मैं पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आप यहाँ ऑनलाइन जो ये पेमेंट है, पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ फिर से व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। और हाँ, जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट आपका जब पूरा हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उसी पेज पर आप पहुँच जाएंगे फार्म पर। और मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए आप यहाँ से बैक आ गए हैं, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन फार्म, व्यू प्रिंट सबमिटेड फार्म, और यहाँ पर रिसीव एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन रिसीव बाद में प्रिंट कर लेंगे। इस तरह से आपको दिखाई देगी रिसीव, और यहाँ जो लिखा है नॉट पेड, इसका मतलब आपने अभी पैसे पेमेंट नहीं किया है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पेमेंट लिख करके आ जाएगा, और यहाँ अपॉइंटमेंट आईडी वगैरह टाइम वगैरह सब लिख करके आएगा। और इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये प्रिंट का फार्म आएगा, 3 पेज में ये निकलेगा आपके सामने इस तरह से। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर डेट और टाइम अपॉइंटमेंट का नहीं दिया हुआ है, पेमेंट नॉट पेड बता रहा है, और बैच नंबर ये बता रहा है, अभी कुछ नहीं बता रहा है। तो ये जो है जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर जो है सब कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।